For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. दो बजे रात का टाइम था. आर्मी, सीआरपी और एसटीएफ तीनों ने मिलकर मेरे बच्चे को उठाया. पहले यहाँ उससे ज़्यादती की गई, फिर उसको गाड़ी में बिठाया. मैं घर पर उस वक़्त नहीं था. उठा के ले गए. सिर्फ तीन दिन के बाद हमें पता चला कि उधर वो लाइन में, पुलवामा लाइन में है. फिर हमें पता नहीं चला 8-10 दिनों तक कि वो कहाँ पर है. बाद में वो ट्रेस हो गए उधर सेंट्रल जेल में. सेंट्रल जेल के बाद हमें आज से 3 दिन पहले पता चला कि वो आगरा में है, क्योंकि ट्रेस वो नहीं होता था कहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भी अभी भी ट्रेस नहीं हो रहे कि कहाँ पर है. उसकी तकरीबन 28-30, इसके दो बच्चे, छोटे बच्चे हैं. जो बेटा है उसके 1 साल की उम्र है और एक बेटी है उसकी 4 साल है उम्र, छोटी है वो. हाँ, हम यहाँ परेशान हैं. ये उसकी मतलब ऐसी माँ भी परेशान, बाप भी परेशान, ये बूढ़े हैं. ये इसको 2-4 मतलब है, ये हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, मतलब मैदे में तकलीफ है. कहाँ जाए, इसमें बहुत पैसे लगेंगे, पता नहीं. वहाँ मुलाकात देंगे, बहुत सारे गए उसने कहा वहाँ तो मुलाकात नहीं दी. हम जब वहाँ जाएंगे, अगर वहाँ मुलाकात देंगे 10-15-20 हज़ार आएगा खर्चा. बता अगर हमने 1000 किलोमीटर आगरा दूर है यहाँ से, दिल्ली तकरीबन 620 से बाद आगरा, आगरा से शायद 80 मील दूर है वो सेंटर जेल आगरा है. बहुत दूर है, इतना जाना है बहुत मुश्किल इन हालात में. अगर वहाँ जाएंगे यहाँ कौन रहेगा, मतलब ये बूढ़ा है, इसके छोटे बच्चे हो सकता है, वो बीमार पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, ये भी बूढ़ा है. तो मेरे शौहर नहीं है, 16 साल हो गए उनको, वो डेथ हो गए. तो जब ये मेरा बेटा घर से निकला तो इसने मुझे बोला मामा मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ. तो जब ये नमाज़ पढ़ने गए तो जिन लोगों ने इसको देखा है उन लोगों का कहना है कि जब नमाज़ पढ़ने के बाद ये मस्जिद शरीफ से निकले तो ये घर की तरफ आ रहे थे. तो इतने में कहीं से ये शोर होने लगा तो 5 पुलिस वाले इसके पीछे दौड़े, लेकिन इसने कोई पत्थर नहीं मारा हुआ था, कोई छेड़छाड़ नहीं किया हुआ था. तो पीछे से इसको पकड़ के, इसके हाथ दोनों बांध करके इसको पैलेट शूट सर में किया है. तो मुझे कुछ पता नहीं था, जिन लोगों ने इसको उठाया है हॉस्पिटल तक पहुंचाया तो इसको मेडिसिन वगैरह थोड़ा बहुत कुछ बहुत लगाया हुआ था, हॉस्पिटल तक तो जाने नहीं दे रहे थे. तो मुझे उसके बाद पता चला तो मुझे एक दो बांदे आए बोलने के लिए, तो मुझे बोलने लगे आपका बेटा ज़ख्मी हो गया है. मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में, तो लोगों ने ही उठाया है. उसके बाद लोगों ने बहुत कोशिश की इसको डॉक्टर के पास पहुँचाने की, तो नहीं जा पाए, ये नहीं हो पाया. इसके जो पैलेट हैं इसके सर में, कम से कम 250 पैलेट इसके सर में आए हैं, इसको फुल शूट किया है. तो वो पैलेट भी अभी भी इसके सर में मौजूद हैं, तो वो निकाले नहीं हैं. तो ये निकालने की वजह यही है कि मतलब हमें डॉक्टर के पास भी नहीं जाने दे रहे हैं, हॉस्पिटल में भी नहीं जा रहे हैं. हम किसी कहीं जाते, इसका इलाज करवाते, इसको मतलब कोशिश करते ये पैलेट निकालने की, तो हमें नहीं जाने देते हैं. पुलिस, सीआरपी और आर्मी हमें बहुत परेशान कर रही है, बहुत तंग कर रही है, हमें हॉस्पिटल भी नहीं जाने देते हैं. तो मेरी बहन की शादी है कल, लेकिन आपने खुद अभी देखा कि यहाँ पे कैसा माहौल है. खुशी, ये शादी एक खुशी का मौका होता है हमारे लिए, निकाखवानी करनी है, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस है कि हमें ये भी अभी पता नहीं है कि जो जिसको निकाह पढ़ने हैं, मौली साहब जो हमारा निकाह पढ़े, वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे. यहाँ पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस कि उसको भी आने की इजाज़त नहीं है. ऊपर से दूल्हे को आना है, ये भी सोच रहे कि दूल्हा कहाँ से आएगा.
अब उनसे उनको हमें उनसे भी कुछ बातें करनी थी जिन जहाँ पे हमने बहन की शादी तय की है, उनसे भी कोई बात करनी थी, कुछ कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं, उनको बात कैसे कैसे उनसे कुछ कहेंगे, उनको कहते कि दूल्हे को कहाँ से लाओगे, किस रास्ते से लाओगे, ये भी सोच रहे कि वहाँ तक हम अपनी बात कहाँ से किस तरह से पहुँचाएंगे। यहाँ से बंदा जाता वहाँ पर भरोसा नहीं है, वो यहाँ से जाएगा क्या उसको छोड़ेंगे बाहर, वो वहाँ पर सही सलामत पहुँच सकता है, वहाँ से फिर वापस आ सकता है, ये भी कोई भरोसा नहीं है। मतलब शादी है इसके लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती है, बाज़ार से कुछ लाना पड़ता है, वो भी कहाँ से लाएंगे, सारी दुकानें बंद है, कुछ भी हमने नहीं लाया, कुछ भी नहीं। आप देखिए यहाँ पे हम वाजवान कश्मीरी वाजवान जो बहुत मशहूर है शादी पे होता है, आप खुद देख सकते हो कल शादी है, आप खुद तो आपने खुद देखा, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई शादी का माहौल है, ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा लगता है, मतलब पूरे कश्मीर में इसमें ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा मातम है। मेरी आज शादी हो रही है, मैं इसलिए मैंने अपने हाथों पे इसलिए आर्टिकल 370 लिखा है क्योंकि हम ये चाहते हैं और हमें ये वापस चाहिए, किसी हाल में भी हमें ये वापस चाहिए, ये हमारी पहचान है। ये कांता